अब स्क्वायर करना हमें एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र में कुछ नहीं है, सबसे इजी सूत्र यही है। तो एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र को हम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, जो लेफ्ट हैंड में जो डिजिट है लेफ्ट में आपकी, वो उसको केवल उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें इस 45 का स्क्वायर करना है, हमें लिखना पड़ेगा 45 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इधर 4 × 5, 4 से एक ज़्यादा। तो इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 25। इसको फिर फर्दर सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 20 25, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ईजी है। सेकंड देखिए, 85 का करना है तो हमें लिखना पड़ेगा 85 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 10। 85 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे करेंगे और हमें क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है उससे एक ज़्यादा से, अपॉन 5 का स्क्वायर इधर लिखना ही है। हमारे पास आ जाएगा 8 × 9 = 72 और इधर आ जाएगा 25। इसको फिर से लिख देंगे 7225, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है 115 का स्क्वायर, तो हमें इसको करना है 11 को मल्टीप्लाई करना है उससे एक ज़्यादा से, ऑब्लिक में 5 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 11 × 12, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा ये 112 / 132 और ये आ जाएगा आपके पास 25। हम इसको लिख देंगे 13225 इज द आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में है 125 का स्क्वायर करना है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें 12 है जो लास्ट वाली डिजिट है, 12 को, 5 को छोड़ना है, हर जगह पे 5 को अलग लेना है। ये एकाधिकेन पूर्वेण का किसी भी डिजिट में अगर लास्ट में 5 आता है तो ये फॉर्मूला 100% सही रिजल्ट देता है आपको। 5 को अलग रखिए, बाकी डिजिट्स को अलग रखिए। अगर ये 4 टाइम्स डिजिट हो जाता तो आप उसको भी कर सकते थे। चलिए मैं बताऊंगा बाद में। तो 12 × 13, एक ज़्यादा इससे, ऑब्लिक 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 × 13 हो जाता है आपका 156 / 25। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है 15625 इज द आंसर। आप चाहें तो इसको नेक्स्ट मैं बोलता हूँ, सपोज करिए 105 का निकालना है, 105 का स्क्वायर करना है, तो इसका हमें कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया 100 तो ये रहेगा ही, इनटू करना है इससे एक ज़्यादा से, तो 101 हो जाएगा, ऑब्लिक 5 बाहर आ रहा है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं 10100 और इधर आ जाएगा 25। अब आप इसको लिख देंगे 10100 25 इज़ द आंसर। ये मैंने आपको बताया अलग से कि कितनी भी डिजिट्स हों, आप करेंगे सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन हमेशा यही आएगा। बस शर्त ये है, इसके पीछे 5 होना चाहिए, बाकी संख्याएं आप पूरी ले लें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा सूत्र। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।